माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी ऑफ विल 2017 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और ऐतिहासिक विधेयक के लिए अपने विजनरी और दूरदृष्टा मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज का यह बिल निश्चित रूप से इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में शिक्षा, शोध, प्रचार और प्रसार में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। उपाध्यक्ष जी, देखा जाए तो यह बिल हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से देश में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा का एक ऐसी प्रभावी और दूरगामी सक्षम तंत्र खड़ा होगा जो न केवल हमारी घरेलू विदेशी आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सामरिक श्रेष्ठता को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रूप में परिवर्तित भी करेगा। अध्यक्ष जी, तेजी से जो विश्व का परिवेश बदलता जा रहा है क्षण प्रतिक्षण, ऐसे इस प्रतिस्पर्धा में हम पीछे न छूट जाएं और विश्व के आधार पर हम केवल उनके साथ कदम ताल न करें बल्कि सारे विश्व का हम नेतृत्व कर सकें, इस दिशा में ये बिल निश्चित रूप में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे भी यदि शिक्षा है तो सर्वांगीण शिक्षा, सर्वांगीण विकास को, मानव संसाधनों के विकास को हर दृष्टि से और समाज के विकास में उसके योगदान का जो महत्वपूर्ण अंग और भूमिका है, उसी से ये भारतीय आज सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभर करके आया है, निश्चित रूप में ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो जनशक्ति का विकास करेगा और न केवल देश में जो सारे विश्व के शिखर पर लेकर के जाएगा, ऐसा ये जो महत्वपूर्ण बिल आज आया है, मैं अपने मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भूरी भूरी बधाई देना चाहता हूँ और प्रशंसा करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये कुल मिलाकर के तीन खंडों में 48 अध्याय और 48 खंडों में विभिन्न चीज़ों से जुड़ा है, जिसमें चाहे सार्वजनिक सहभागिता पीपी की क्या परिभाषा है और किस तरीके से इसकी स्थापना होगी, किस तरीके से केंद्र, राज्य और जो इंडस्ट्रीज होगी, इन तीनों में किस तरीके का समन्वय होगा, केंद्र सरकार इसका प्रस्ताव किस तरीके से करेगी, कैसे एमओयू इसके लिए तैयार होगा और इंडस्ट्रीज पार्टनर की भूमिका क्या होगी, इसके कई खंडों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसको व्याख्यित किया गया है। गवर्निंग बोर्ड का जो संयोजन होगा उसमें क्या होगा, कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, किस रूप से ये आगे चलेगा, सीनेट की शक्तियाँ और कार्य क्या होगी, वो भी तमाम खंडों में बहुत स्पष्ट तरीके से विभाजित है और समन्वय कैसे होगा इसके लिए भी है, इस संस्थान के फंड्स की दिशा में क्या होगा उस दिशा में भी है और इसके अतिरिक्त इसके लिए स्थिरता, ये संस्थान स्थिर हो सके, जो 15 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना करके उनको डिग्री देना और विश्व स्तर पर उनकी सामरिकता, उनके महत्व को बढ़ाने का ये जो अभियान इस विल के माध्यम से दिया गया है, इसमें किस तरीके से वो स्थिर तरीके से आगे बढ़ सकता है और किस तरीके से यदि कभी विवाद होता है तो विवादों को किस तरीके से हल किया जा सकता है, ये भी इस विल में एक एक बिंदु 48 खंडों के अंतर्गत समाहित है। उपाध्यक्ष जी, हम विश्व की वित्तीय अनिश्चितता के बीच पूरी दुनिया का आशा का केंद्र बनकर उभरे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में आकर के खड़े हैं और हमारी अद्वितीय आर्थिक प्रगति के पीछे निश्चित रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है। वो हमारे GDP का लगभग 10% हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी से आता है और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता का ये प्रमाण है। वर्ष 2016-17 में हमारा जो सॉफ्टवेयर निर्यात $116 बिलियन का था और मैं समझता हूँ आज 40 लाख से भी अधिक प्रत्यक्ष रोजगार हो रहा है और अप्रत्यक्ष तो करोड़ों करोड़ों लोगों को इसका रोजगार मिल रहा है। नासकाम के अनुसार उपाध्यक्ष जी, 2025 तक इस क्षेत्र में 30 लाख नए अवसर प्राप्त होंगे
और मैं सोचता हूँ ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और एक नए युग का सूत्रपात होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि हमारे मित्र ने कहा, आज दुनिया में जो बाहर से जो विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान में आती है, चीन भी पीछे छूटा है, हिंदुस्तान इस समय नंबर एक है और उसमें भी आईटी के क्षेत्र से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मेरे देश में आती है। इसका मतलब हम हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर जाने की स्थिति में है और ये एक संयोग है कि हमारे भारतवासी या भारत मूल के लोग विश्व की आईटी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो शीर्ष कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यदि सीईओ को देखें तो सत्या नडेला है, गूगल के सीईओ को देखें तो सुंदर पिचाई है, अडोवे के सीईओ को देखें तो शांतनु नारायण है, कोग्निजेंट के सीईओ को देखें तो फ्रांसिस्को डिसूजा है, नेट ऐप का सीईओ को देखें तो जॉर्ज कुरियन है, नोकिया के सीईओ को देखें तो राजीव सूरी है, और ग्लोबल फाउंड्री के सीईओ को देखें तो संजय झा है, और जीरोक्स कंपनी के सीईओ को देखें तो अशोक भूमरी है। ये तमाम दुनिया की शीर्ष स्थान पर रहने वाली कंपनियों में भारत का आधिपत्य है और इसलिए ये जरूरी हो गया है कि इस देश में विश्व के लिए ऐसे लोगों को तैयार किया जाए, ऐसे मानव संसाधन को तैयार किया जाए जो और ऊंचाइयों को पहुंचे और भारत को सारे विश्व में नेतृत्व प्रदान करें। आज भी विश्व का नेतृत्व भारत के ही लोग कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सिलिकॉन वैली की चर्चा यहां पर आई, जापान हो, सिंगापुर हो, हॉलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दक्षिण अफ्रीका, कीनिया हो या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एचपी, 30% से भी अधिक इन सभी स्थानों पर हिंदुस्तानी लोग हैं और नासा में तो 10 में से 4 लोग हिंदुस्तानी हैं। 10 में से 4 लोग नासा जैसे जो विश्व की वैज्ञानिक सबसे बड़ी संस्था है उसमें 10 में से 4 हिंदुस्तानी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हमारे लोग गौरव की बात क्या हो सकती है। इसलिए जो ये IIIA का जो एक्ट आया है, मैं प्रकाश जावड़कर जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पहले भी एक्ट था लेकिन वो निजी सहभागिता के आधार पर नहीं था, उसमें संशोधन करके जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंडस्ट्रीज का आना जरूरी था इसमें, क्योंकि इंडस्ट्रीज में किस तरीके के लोगों की जरूरतें हैं तो उनको तैयार किया जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए जो ये बिल आया है ये न केवल डिग्री विद्यार्थियों को मान्यता प्रदान करेगा बल्कि 15 पीपीबी मोड के संस्थानों को वैधानिकता भी प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित होने के पश्चात इसमें स्वायत्तता स्वतःवृत्व हासिल हो रही है और मैं सोचता हूं कि ये गवर्निंग बॉडी का संयोजन सुनिश्चित कर शिक्षा के लिए शोध का जो उचित वातावरण इस देश के अंदर खड़ा होगा वो सारे विश्व को निश्चित रूप में लीड करेगा, नेतृत्व देगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो उद्देश्य है वो संस्थानों में स्वायत्तता, जवाबदेही के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित और सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना है। ऐसा संस्थान जो हमारे छात्रों को, हमारे संकाय को, हमारे वैज्ञानिकों को विश्व के मानदंड पर कहीं शीर्ष पर स्थापित कर सके, ये है इस बिल का मूल उद्देश्य। और मैं समझता हूँ ये बिल निश्चित रूप में हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके द्वारा भारत को विकसित समृद्धशाली राष्ट्र बनाने की जो उनकी परिकल्पना है उसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसे क्रांतिकारी, युगांतरकारी ये अभिनव जो मिशन है उन मिशन को भी पूरा करने के लिए ये जो बिल है ये न्यू का पत्थर निश्चित रूप में साबित होगा और इसलिए मैं फिर सरकार को इसकी लिए बधाई देना चाहता हूँ। आज 2.5 लाख गांवों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का एक अभियान है और मैं मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सोचता हूँ मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, इस बिल से उस अभियान को भी बहुत मजबूती मिलेगी। हाँ, इस बिल में जो औद्योगिक साझेदारी है, इस औद्योगिक साझेदारी से यहाँ उद्योगों की जो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है और संस्थानों की गवर्निंग में सक्रिय भूमिका ये सुनिश्चित करेगा ये बिल। ये संस्थानों में स्टार्टअप और उसके लिए फंडिंग की क्या व्यवस्था होगी इसकी भी पूर्ति करेगा। तो इसलिए हर विषय को
माने मंत्री जी ने इस बिल में स्पर्श किया है और शिक्षा और शोध के जो उच्चतम मानदंड स्थापित करने की मंशा से जो गवर्निंग बोर्ड की नीति बनाने के लिए सुनिश्चित किया गया है उसमें बोर्ड को डिग्री डिप्लोमा अध्येतावृत्ति छात्रवृत्ति देने की तमाम स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है। अध्यक्ष जी संस्थान की संकाय और उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता ये संकाय तय करेगा इसलिए उस पर भी नियंत्रण करने का इस बिल में तमाम प्राविधान है। उच्च स्तरीय फैकल्टी के जो सदस्यों के चयन हेतु बोर्ड रणनीति बनाएगा, बोर्ड संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करेगा, राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित शिक्षाविद उद्योगपति चयन समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे। तो सभी को सभी प्रकार के लोगों को इस बिल में समाहित किया गया है और निश्चित रूप में ये सुनिश्चित किया गया है कि चयन प्रक्रिया उसकी उत्कृष्टता हमेशा और हमेशा बरकरार रहे और किसी भी संकाय की सफलता इस बात पर श्रीमान निर्भर करती है कि वो अपने संसाधनों को समयबद्ध तरीके से विकसित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे और इस बिल में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो सभी 15 ये जो संस्थान हैं वो अपने आर्थिक संसाधन जुटाने की रणनीति का सृजन करें और उसका क्रियान्वयन 5 वर्ष के अंदर अपने आप में वो स्वायत्त बन सके, 5 साल में वो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रख सके ये भी इसमें सुनिश्चित किया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बिल के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से हमारे रोजगार के क्षेत्र में जिस तरीके से पूरी दुनिया में हम जिसको लीड कर रहे हैं उसके क्षेत्र में ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी जो मानव संपदा है वो सारे विश्व के लिए अनोखी है, उसमें प्रखरता है, शालीनता है, उसमें मेहनत कड़ी मेहनत करने का जज्बा है और हिमालय का जो ये क्षेत्र है इसमें पर्यावरण की दृष्टि से जहाँ पूरी दुनिया को पर्यावरण की पहली पाठशाला होने का लाभ देता है, जहाँ वो ऑक्सीजन देता है, पानी देता है, ये हिमालय वाटर टावर है एशिया का, ये लोगों को जल भी देता है, जीवन भी देता है, ऐसे हिमालय के परिदृश्य को बचाए रखने के लिए इससे बड़ा उद्योग कुछ नहीं हो सकता है और इसलिए मैं उत्तराखंड की धरती पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक IIIT की जो है वहाँ स्थापना की जाए। जब मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में था तब हम श्रीनगर में एक NIT सेंटर लेकर के गए थे क्योंकि उत्तराखंड में स्थापित होने से जो वहाँ की शांत सुंदर सुरम्य अध्ययन के अनुकूल जो वातावरण है और हमारे पास बहुत ही प्रखर समर्पित और मेहनती युवा हैं वो जहाँ सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देते हैं और राष्ट्र के विकास की धुरी बनकर के आगे बढ़ते हैं वहाँ इस क्षेत्र में भी वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो प्रदूषण रहित तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग होगा वो उससे अच्छा वातावरण कहीं मिल नहीं सकता और इसलिए मैं इस बिल के जो आज लाए हैं मंत्री जी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और अपने इसी अनुरोध के साथ कि वो हिमालय और उत्तराखंड पर भी दृष्टि डालेंगे और यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्रन।